हुकूमत का जो महंगाई की वजह जो मुझे समझ में आती है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सो रहे हैं। लेकिन 2020 में हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आई है। इमरान खान बोला था मैं सस्ता ही करूँगा, महंगाई करी भी इसने। उनकी नजर आ रहा है आगे, मुझे इससे ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली, सब चीजों पे रेट बढ़े हैं। खाने पीने की जितनी अशिया मेरे मालूमात में किसी चीज़ में रेट कम नहीं हुआ, तकरीबन 50-100% रेट सब चीज़ों में इंक्रीज हुआ। खाली पाकिस्तानी रुपये में रेट कम हुआ है, जो बढ़ गया कम गिर गया और डॉलर बढ़ गया। भाई आटा जो हम पिछले साल 50 रुपये या 46 रुपये लेते थे, आज हम 60-65 रुपये आटा ले रहे हैं। घी जो है 900 रुपये का कार्टन लेते थे, आज 1100 रुपये का कार्टन है, ठीक है ना। तो महंगाई तो बढ़ी रही है और उस पर भी बोलते हैं कि अभी रुकी नहीं है और बढ़ेगा। चीनी का रेट तो पहले 50 रुपये या 60 रुपये था, आज जो है 75 रुपये चीनी हो चिंता चीनी 75 रुपये रेट रिटेल है और मेरे ख्याल से 72 रुपये होते हैं। में हुकूमत का जो महंगाई की वजह जो मुझे समझ में आती है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सो रहे हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और जो है ना मिसमैनेजमेंट है कि इसको मैनेज करके अगर सब चीज़ों को मॉनिटर करें ना तो इसका रेट मुनज़्ज़म हो सके। जैसे गंदम में अगर पहले से पॉलिसी बनाई जाती तो गंदम बाहर स्मगल ना होती, हमारे मुल्क के लोग खाते। तो भाई ये सब चीज़ें हैं जिसको हुकूमत जो है जिस पे हुकूमत गफलत बरत रही है और जिसकी वजह से रेट बढ़ माल बेचने में बेहद परेशानी हुई। जैसे टमाटर वालों को टमाटर बेचने में परेशानी हुई, 100 रुपये कस्टमर दूसरे दिन आया भाई 120-130, हमें बहुत मुश्किल हो रही है। और ग्राहक जो है 10-10 रुपये के लिए लड़ता है और बोलता है कि तुम लोग मुनाफा खो रहे हैं। हम क्या मुनाफा खो रहे हैं, हम जो पीछे से जितने का लेते हैं अपना मुनाफा रख के आगे बेचते हैं। हमें सस्ता आज मिलेगा 10 रुपये का आइटम मिलेगा, हम 12 रुपये में बेच देंगे। आज हमें 120 रुपये मिलेगा 122 रुपये बेचेंगे। असल में हम आप तो 20 के मिडिल मैन है, पीछे से जो मॉनिटरिंग हो पॉलिसी हो तो फिर ये रेट कम हो। खरीद जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अच्छा, महंगाई इस कदर बढ़ गई है, जो 5000 का राशन होता था आपसे पिछले साल, अभी वो 10-12 हज़ार रुपये का राशन है, यानी फिर से ज़्यादा प्लस हुआ है इसके अंदर, माइनस कुछ भी नहीं हुआ है। और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, जो 5 किलो ऑयल लेती थी आज वो 1 किलो लेके गुजारा कर रही है अपना। अच्छा, तो लिहाजा महंगाई के ऊपर कंट्रोल करा जाए, गवर्नमेंट से मेरी अपील है महंगाई पर कंट्रोल करें ताकि गरीब आवाम को रिलीफ। सब चीज़ों पर रेट बढ़े हैं, माचिस से लेके चावल तक आटे तक सब चीज़ पर रेट बढ़े। आटे का तो ऐसा है, आप अगर आप 1 महीने पहले थे 500 रुपये, जो अभी हो गए हैं 550 रुपये रेट आटे के। और चावल के पूछेंगे तो चावल के तो रेट होते ही नहीं है, आपको भी पता है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन कम नहीं होते, ज़्यादा ही होते हैं पैसे। 2019 जो है बहुत मुश्किल मतलब गुजरा है, हम के हिसाब से भी हर चीज़ से भी महंगाई तो मतलब बढ़ गई है, इसी उम्मीद पर बढ़ी है कि चलो महंगाई आज बढ़ी है। लेकिन 2020 में हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, अब बेहतर आना चाहिए। इमरान भाई से यही उम्मीद है कि मुझे देखिए 2020 में इमरान भाई कुछ ना कुछ तो मुझे देखिए बेहतर करेंगे, एक उम्मीद लगाई हुई 2020 की, इंशाल्लाह लग रहा है कि बेहतर हो, इमरान भाई भी थोड़ा बेहतर करें हमारे लिए। महंगाई तो अभी सर चढ़ के बोल रही है, आवाम जो है बिल्कुल पागल हुई है कि मुझे क्या करें। 100 रुपये किलो टमाटर है, 20 रुपये किलो गड्डी पुदीना है, धनिया है, किस तरफ जाएगा आदमी मेरा भाई। हुकूमत की जानब से कोई खुशखबरी नहीं है, हुकूमत की जानब से यही है कि इमरान मैंने जो जो बाहर मुल्क में जाके जो इन्होंने फाइट किया है हमारे लिए यही काफ़ी है, इसी वजह से हम महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है कि अमेरिका को जवाब दिया, दूसरे मुल्क को जवाब दिया, इस्लामी हिसाब से जो इन्होंने मजदे की केस लड़ा है ना, इसके सिवा कोई नहीं लड़ सकता। कम कोई आइटम नहीं हुआ, कोई भी चीज़ है ना, सबके रेट बढ़े, सबके, चाहे जीरा है चाहे काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची दाती है, सबका रेट बढ़ा। सही, अभी मिर्ची का रेट बढ़ गया काफ़ी, 300 मिर्च थी अभी 450 का रेट। सही, बारिश की फसलें बार बर्बाद होगी ना बारिश की वजह से, कोई भी चीज़ नहीं है इसके रेट कम, सबके रेट बढ़े ही। आटा आप 380 से अब आज 590 रुपये की थे, 490 रुपये की थे, 100 रुपये कम से कम डेली में बढ़ गई। चीनी 56 रुपये 58 रुपये थी, आज 70 रुपये की चीनी। हमें और बढ़ गई है, इमरान खान ने तो सबका सत्यानाश कर दिया है। इमरान खान बोला था मैं सस्ता ही करूँगा, महंगाई करी हुई इसने, काले है, चीनी है, हर चीज में महंगाई हो रही है, दूध कितना महंगा हो गया, गरीब इंसान कहाँ से खाएगा। टमाटर है ना 100-150 रुपये किलो आ रहे हैं, गरीब को तो तनख्वाह तो कोई नहीं भर रही है, बोला था तनख्वाह बढ़ेगी, काम भरी है, कौन सी फैक्ट्री में भरी है, वही तनख्वाह है, कारोबार नहीं है, कारोबार ठप किया हुआ है, हर मोबाइलों पे टेस्ट करा हुआ है, दुकानों पे टेस्ट किया हुआ है,
और अमीरों से लो ना, गरीबों से क्यों ले रहे? अमीरों को पकड़ो जाके, जो फिर महलों में बैठे हुए गरीब बच्चा तो पेट भर के ही खा रहे ना, ये भी नहीं खाएगा क्या? चार रोटी भी इनने तो छीन ली हम लोगों से। जब सामने आएगा आटा सही करे, चीनी सही करे, हर चीज पे सस्ताई करे, तो हम बोलेंगे हाँ भाई इन्हें हमारे लिए कुछ दिया है, इन्हें हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। भाई हुकूमत जो भी आती है ना, पहले तो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जो भी हुकूमत आई है उन्हें महंगाई की है, सस्ताई किसी ने भी की नहीं की है। जो भी आया है बोलेंगे हम सस्ताई करेंगे ये करेंगे, हमें तो कुछ भी उम्मीद नजर नहीं आ रही, किससे उम्मीद करें? जो पेमेंटें मिली थी वो भी गई हाथों से। पिछली हुकूमतें तो थोड़ा फिर भी लिहाज करती थी, इसने तो बिल्कुल ही लुटिया डिबो दी आवाम ने, और जितनी महंगाई वो लोग करते थे उससे चार गुना ज़्यादा गिरी है जो वो लोग पिछले आठ सालों में करते थे हुकूमत के अंदर, और वो ये इसने एक साल में इतनी महंगाई कर दी। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। टाइम तो देना चाहिए, लेकिन अगर 70 साल की बीमारी है ठीक है, लेकिन दो दिन की ही अगर दवाई के अंदर सही करना चाहोगे तो आवाम ही मरेगी। और महंगाई में महंगाई होती आ रही है, कुछ ख्याल करो गरीबों का जो बुनियादी हक है, दाल चावल आटा चीनी घी तेल जो है गरीबों का, उसको तो कम करो कम से कम। क्या रेट कम हो, कोई किसी चीज़ का भी रेट कम नहीं हुआ, डबल ट्रिपल पे सब कुछ चला गया है। गरीबों का ख्याल करो, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इसको कम से कम करो, ये सब सब कुछ महंगाई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। वही है कला खर्चा 800 का है, थारी 400 की है, क्या करें बंदे? सब्जी के रेट भी बताओ, सब्जी इतनी महंगी है, 200 रुपये भिंडी है, 240 रुपये मटर है, बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? टाइम पास कर रहे हैं, अल्लाह ताला गुजारेगा टाइम को। बहुत मुश्किल है।